किसी जंगल में एक बड़ा ही क्रूर शेर रहता था। शेर अक्सर तभी किसी जानवर को मारते हैं जब उन्हें पेट भरना होता है, लेकिन यह शेर तो बिना मतलब ही अन्य जानवरों की हत्या करता था। उसे तो बस किसी जानवर को मारने में मजा आता था। जंगल के जानवर उस शेर से तंग आ चुके थे और वे इसका हल निकालना चाहते थे। सभी जानवरों ने शेर के साथ एक बैठक की। उन्होंने शेर से कहा कि वो रोज एक जानवर को उसके पास भेज देंगे ताकि उसे भोजन मिले और वह जानवरों को बिना मतलब मारना बंद कर दे। शेर को लगा कि बिना हाथ पैर मारे ही खाना मिल जाएगा, इसलिए वह इस बात पर तैयार हो गया। इस तरह उस शेर को रोज एक जानवर मिलने लगा और उसकी जिंदगी आरामदेह हो गई। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। सभी जानवरों ने भारी मन से खरगोश को विदा किया। खरगोश भुजे मन से धीरे धीरे जा रहा था और उसे शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा था। जब वह शेर के पास पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। शेर इस बात से कुपित और गुस्सा था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को आता देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शेर गुस्से से गुर्राया, तुम्हारे देर करने की वजह से मेरी भूख और बढ़ गई है। तुम्हारे जैसा पिद्दी जानवर तो मेरे नाश्ते के लिए भी काफी नहीं है। आज मैं सभी जानवरों को मार दूंगा। खरगोश ने जवाब दिया, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो समय पर ही पहुंच जाता, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिला जो मुझे आपके पास आने ही नहीं दे रहा था। वह कहता है कि वह असली राजा है और आप सबको सबक सिखाना चाहता है। शेर ने गुस्से में जवाब दिया, इस जंगल का राजा एक ही है और वो मैं हूँ। चलो पहले उस शेर को मारूंगा, उसके बाद मैं इस जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। खरगोश ने शेर को अपने पीछे आने के लिए कहा। वह शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया। वह शेर इसी कुएं में रहता है, आप खुद ही देख लीजिए। शेर इस नए प्रतिद्वंद्वी को देखने के लिए कुएं में झांका। जब उसने कुएं में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे दूसरा शेर समझ बैठा। गुस्से से आग बबूला शेर फौरन कुएं में कूद गया। इस तरह से उस दुष्ट शेर का अंत हो गया। एक जंगल में शेर और शेरनी रहते थे। वह बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसकी वजह से जंगल में उनके अच्छे अच्छे मित्र थे, जैसे बंदर, गधा, हाथी, खरगोश, बकरी आदि। एक दिन जंगल में घूमते घूमते शेरनी अचानक से बेहोश हो गिर पड़ी। इसको देख शेर घबराया और दौड़ते हुए खरगोश के पास गया और बोला, अरे खरगोश भाई, जरा अपने जंगल के वैद्यराज हाथी को बुला के ला दो,
शेरनी बेहोश हो गई। इसको जिम्मेदारी समझते हुए अच्छा दोस्त के नाते खरगोश भागते भागते गया और जंगल के वैद्यराज हाथी को जल्दी से बुलाकर लाया। जंगल के वैद्यराज हाथी भी उनके एक मित्र थे। वह जल्दी से आए और शेरनी का चेकअप करा और बताया कि शेरनी गर्भवती है। यह खबर सुनकर शेर और पूरे जंगलवासी उछल पड़े और शेरनी का अच्छे से ध्यान रखने लगे। कुछ दिनों बाद ही शेरनी का एक बच्चा हुआ जो जंगल का नया सदस्य था।